और गाइस ये देखो, वो हेडशॉट मार सकता है बट वो बॉडी शॉट मार रहा है लगा के। तो जैसे हम गाइस, कैसे आप सब, मैं हूँ शिवम और आप लोग देख रहे हो आप लीग एफएफ। तो पिछले कुछ दिन से वीडियो हम लोग नहीं ला पा रहे थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिस कारण से हम लोग की वीडियो थोड़ी डिले आ रही है एंड इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और मैं गाइस आप लोग बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा सपोर्ट किया एंड आशा है आगे भी करते रहोगे। तो आज सुबह मैं गेम खेल ही रहा था कि मेरे गेम में एक हैकर आ जाता है, नूब हैकर। अब पता नहीं गाइस वो नूब बनने का एक्टिंग कर रहा था कि नूब था, वो प्रो हैकर था कि नूब था, हो सकता है उसकी आईडी बैन ना हो, इस चक्कर में वो नूब की तरह हैक ला की यूज कर खेल रहा था। और नॉर्मल हैक जैसे ही खेल रहा था, वो ग्लूवॉल के आर पर मार रहा है, घर के आर पर मार रहा है, कंटेनर के आर पर मार रहा है, स्नाइपर से मतलब क्या ही बोलूं गाइस, उसने मेरा काफी ज्यादा माइनस करा दिया। मैं मास्टर में हूँ और इसी लैगी मोबाइल से इतना मेहनत कर ग्रैंड मास्टर जाने की ट्राई कर रहा हूँ बट ये बंदे मुझे पहुंचने ही नहीं देते। किसी गेम में हैकर आ जाते तो किसी गेम में टीममेट्स अच्छे नहीं आते हैं, क्या ही बताओ गाइस। जब अपनी स्क्वाड साथ में ना हो तो खेलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। और अगर आप लोग को भी दिक्कत हो तो अपने स्क्वाड के बिना खेलना तो मुझे कमेंट डाउन करें, मैं उसका भी सॉल्यूशन ला दूंगा। मुझे पता है गाइस आप लोग में से काफी सारे बंदे मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे गेम में हैकर आया था, इसलिए मैंने काफी मुश्किलों से एक स्क्रीन रिकॉर्ड उस हैकर का लेके रखा है कि आप लोग को दिखा सको कि इस टाइप से इन्होंने हैकर सबको मार के बुया ले लिया। देखो गाइस मैं ऐसे ही नहीं बोलता, रैंडम टीममेट्स से रैंक पुश करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रैंडम टीममेट मेरे सामने खड़ा बट वो मुझे रिवाइव नहीं दे रहा है और मेरे ऊपर दो स्क्वाड ने रश कर दिया था, एक हैकर वाली स्क्वाड है, एक दूसरी वाली स्क्वाड। हैकर वाली स्क्वाड इस एक नंबर को भी मार देती है, मुझे डाउन करने के बाद वो बंदा किसी दूसरे बंदे से फाइट लेने लगता है एंड ये एक नंबर कवर में जाने की ट्राई करता है बट उसको आगे से मारता है एंड ये पीछे कवर ले तो इसको यहीं से मार देता है कंटेनर के आर पार। बहुत मुश्किल से मेरे एक टीममेट ने मुझे रिवाइव दिया होता बट मैं जैसे मेडिकेट मारने आता वो बंदा फिर से मुझे मार देता है एंड देखते देखते वो बंदा कंटेनर के आर पार से मेरी पूरी स्क्वाड को खत्म कर देता है। बट यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग कट जाता है तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ और जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है इस बंदे को मैं पहले रिपोर्ट मारता हूँ ताकि फ्री फायर इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन ले। बट गाइस अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं और फ्री फायर की तरफ से मुझे मेल बॉक्स में इसका टर्मिनेशन मैसेज नहीं आया है। तो क्या ये हैक हम लोग बिना आईडी टर्मिनेशन के लगा सकते हैं, बिना आईडी बैन के लगा सकते हैं, मुझे नहीं पता गाइस। बस आप लोग फ्री फायर को कमेंट में ज्यादा ज्यादा टैग करो ताकि उनके पास ये वीडियो ये हैक जल्दी जल्दी पहुंचे और वो उनको ये बैन कर पाए। और गाइस अभी तक वीडियो अगर आप लोग देख ही रहे हो तो एक लाइक कर दो एंड आप लोगों ने बहुत सारे प्रो प्लेयर्स का गेम प्ले देखा होगा बट हैकर का गेम प्ले कभी नहीं देखा होगा, तो मैं आपको हैकर का गेम प्ले दिखा रहा हूँ, इस बात में एक लाइक तो बनता है गाइस। और गाइस ये देखो, वो हेडशॉट मार सकता है बट वो बॉडी शॉट मार रहा है लगा के, ताकि ज्यादा बंदों को पता ही ना चले कि वो हैक लगा खेल रहा है एंड उसकी आईडी पे कम रिपोर्ट आए तो फ्री फायर उसकी आईडी को छोड़ भी सकता है। और यही कारण है कि इसका आईडी का टर्मिनेशन मैसेज मेरे मेल बॉक्स में अभी तक नहीं आया क्योंकि इसका आईडी बैंड ही नहीं हुआ है। ये बंदा जैसे ही आगे जा रहा था, ग्लूवॉल के पीछे एक बंदा होता है, वो इसे एक शॉट मारता है एंड उसे AWM से ग्लूवॉल के आर पर मार देता है। हैकर तो अपना रंग लास्ट जोन में दिखाता है एंड वो यहाँ पे वॉल के आर पर कितने सारे बंदों को मार रहा था तो मुझे खुद नहीं समझ मार रहा था। वो चाहता तो यहाँ पे हेडशॉट भी किसी को मार सकता बट वो हेडशॉट किसी को मार नहीं रहा था, वो आर पर बॉडी शॉट खाली मार रहा था। मुझे थोड़ा यहाँ पे वीडियो कट करना पड़ेगा कि गाइस मेरा गेम बैक हो गया था एंड ये गाइस स्कार लेके बंदा पूरी ग्लूवॉल के आर पर सारे बंदों को मार रहा था और किसी बंदे ने इसको भी तगड़ा डैमेज दिया था बट ये तुरंत हील हो जाता है एंड ये बंदा उसको भी ग्लूवॉल के आर पर मारने स्टार्ट कर देता है, वॉल के आर पर मारता है एंड एम लगा मारता है एंड जैसे ही वो हल्का सा निकलता है एक गोली मार के उसको मार देता है और तभी मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है एंड मैं उससे आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ। इस चीज के लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ गाइस। और गाइस आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम लोग 1K काफी ज्यादा करीब है एंड 1K मैंने कुछ स्पेशल सरप्राइज भी रखा हुआ है, तो उस स्पेशल को अनलॉक करने के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि जल्दी जल्दी हमारा 1K हो जाए एंड वो स्पेशल अनलॉक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।